पिछले माइक नहीं चल रहे क्या भाई साहब? ऐसा चौकीदार है खूटा पाड़ना है, तगड़े तरीके से नारे लगा लो, सारे चौकीदार देखने लाग रहे रैली ने। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, तरुण तरुण अमर रहे, आम आदमी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। सबसे पहले सारे मेरे ताऊ दादा चाचा भाई बहन माताएं बहने सबको हाथ जोड़कर राम राम जी। ऐसा जी बोलू देगा मैं थोड़ा, लेकिन एक एक बात ने कभी भीतरले में लेकर जाइयो, कदे न्यू सोचो भाषण दिया, भाषण वाषण नहीं दे रहा हूं, 5-7 मिनट बोलूंगा। ये जो पीछे तक भाई खड़े हैं ना, सारे एक एक बात को नोट कर ले जाइयो जी। भाई साहब वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, और आप लोग भी वोट मांगने के लिए जाओगे लोगों के पास, वोट किसके नाम पे मांगोगे? दो नामों पे वोट मांगेंगे भाई। ताऊ देवीलाल ने लोगों के काम करे थे कि नहीं करे थे लोग बताओ? आठ ठाका बताओ, जो बीजेपी वाला वो आठ नहीं ठाकगा, करे थे ना भाई? दिल्ली में केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भाई साहब अगर जा काम करवाने हो, बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल जवान किसान रोजगार, अगर ये काम करवाने हो तो आप और जेजेपी को वोट दे दियो, और कांड करवाने हो तो भाई साहब ऐसे बीजेपी का वोट दे दियो। देखो भाई साहब, दुष्यंत भाई चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हमारा गठबंधन हो या बिना गठबंधन के भी कहूं मैं एक बात भाई, इतने काम किससे सांसद ने नहीं करवाए, कोई नहीं करवा सकता, मैं आपको बताऊं। अरे भाई साहब ये जो चौकीदारा कर रहे हैं ना, मन तो हसिया हुआ है चौधरी वीरेंद्र सिंह पे, मतलब कोई तो छोड़े ना आईएस बना कर, आईएस पे तो चौकीदार बना दिया बताओ। और घर में रोड़ा हो रहा है वो छोरा लुका, मैं कोना चाहता गांव में बाहर निकल गए। और चौधरी साहब हो रहे परेशान, छोरा लुका बाबू नौकरी भी गई और बीजेपी भी गई। और भाई साहब परे ना कुलदीप बिश्नोई साहब, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इनकी सुनियो भाई। दुष्यंत लग रहा है सार के लोगों की सेवा के लिए, अरवे बेरा क्या कर रहे हैं? मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं, दोनों का यही है ना भाई, अपनी बहू दिखे और अपना छोरा दिखे, अरे दुष्यंत ने सार के लोग दिखे, तुम देख लियो भाई साहब। भाई साहब ये जो बीजेपी आ रहे हैं ना, ये अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब पर हमला करवा दिया भाई साहब, हिसार की नहीं हरियाणा के नहीं, इस देश की शान है अरविंद केजरीवाल, मैं आपको बताऊं। ये अरविंद केजरीवाल पर हमला नहीं हुआ, ये हमला उस हर आदमी के ऊपर हुआ था जिस अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपया यूनिट बिजली दे रखी है दिल्ली में, जिस अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूल बना रखे हैं ताकि गरीब आदमी एक आम आदमी का बालक वहां पर पढ़ सके, यह उस केजरीवाल पर हमला नहीं हुआ, यह उस किसान पर हुआ भाई साहब, जिस दिल्ली के किसान को 20,000 रुपए किला मुआवजा दिया गया था उसके ऊपर हमला हुआ भाई साहब। ये जिन बुजुर्गों का फ्री में इलाज होता है दिल्ली के अंदर भाई साहब, 10 रुपये नहीं लागते इलाज के, चाहे 10 लाख रुपए खर्चा आता हो, सारा का सारा इलाज फ्री है भाई साहब। केजरीवाल ने यो काम कर रखा, इसके नाम तो वोट मांग रहे हम। और भाई साहब ये चौकीदार क्या कर रहे हैं,
नुके हैं भाई, छोटा चौकीदार गड़बड़ में है, मेरे बस का कुछ नहीं है, बड़े चौकीदार के नाम दे दो। क्यों भाई? अरे कोई काम होगा तो एसआर का चौकीदार चाहिएगा ना भाई, आकूड़ा बड़े चौकीदार जोड़ जाओगे तो भाई साहब आप लोगों को ताकत लगानी पड़ेगी सारे ने, एक एक ताकत इतनी तगड़ी लगनी चाहिए, क्योंकि आपका और जेजेपी का एक कार्यकर्ता इन बीजेपी और कांग्रेस के 1000 कार्यकर्ता होंगे बराबर भाई साहब, 1000 कार्यकर्ता होंगे बराबर। तो हम तो भाई साहब यही कह बड़े बुजुर्ग आदे अग भाई देखो, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले कर रहे हैं सेटिंग, इस बीजेपी का अगर खूटा पाड़ सकते हैं तो आप और जेजेपी वाले पाड़ सके, और किसी के बस के नहीं है, बीजेपी वाले देख लिया आप लोग, तो खूटा पाड़ लोगे कि नहीं पाड़ लोगे ना बताओ। इतनी तगड़ा रुका मारो हुए चौकीदार ने सुने, पाड़ दोगे कि नहीं पाड़ दोगे भाई साहब? ये जो बीजेपी आ रहे हैं ना, ये नाश कर देंगे भाई साहब, भाईचारे ना खा गए ये। हरियाणा का भाईचारा दुनिया में मान्य हुआ था, राजनीति का बड़ा हुआ भाईचारा, इस भाईचारे के नाम पर वोट ले रहे हैं अब ये खा गए, इसलिए इनको हराना जरूरी है भाई साहब। कोबरे का जहर कितना खतरनाक हो है, कोबरे के डसने पर बच जाओगे, बीजेपी के डसने पर नहीं बचोगे, देख लियो भाई साहब, बताऊंगा आप लोगों ने, इब आप लोगों ने यह तय करना है, अगवाई विकास कराना है, अकनाश कराना है, क्या कराना है, ये पिछला नहीं कराना गे भाई साहब। अगर जय विकास कराना है आप पर जेजेपी है, और नाश कराना है दबा बेसक बीजेपी ने, यह लोग बता दियो, आप तो सारे अपने हो। और दुष्यंत चौटाला का जब नामांकन हुआ था भाई, मैं एक शर्त लगा गया था, मेरे द्वारा तो रुपया है नहीं, तुमने इकट्ठे करके देने पड़ेंगे, फिर देख लियो, 1,00,000 रुपया की शर्त लगा गया था भाई, दुष्यंत चौटाला 1,00,000 कम से कम 1,00,000 वोट में जीता था, मैं आपको बता दू। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले को ऐसा लगा लियो भाई साहब, ये घरा बैठ लिए हैं, 1,00,000 दुष्यंत और कुछ नहीं आई वे। इसलिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक चौधरी वीरेंद्र साहब ना रहे ना उसका छोरा रहे, दोनों ताकत लगा रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा साहब और वीरेंद्र सिंह दोनों ताकत लगा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह उन्हें सोनीपत में रोहतक में सपोर्ट कर रहा है, और वे कर रहे हैं आ रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, इस चीज का ध्यान रखियो सारे के सारे। नए बालक है, नई पार्टी है, नया गठबंधन है भाई साहब, काम करके दिखा देंगे। और हमने न्यू कहने की जरूरत को ना, आप चौकीदार के नाम था वोट दे दो, उसके नाम था वोट दे दो, हमने तो काम करे भाई साहब, दुष्यंत ने यहां करे, देवीलाल जी ने पैरा करे, और केरी केजरीवाल साहब अब दिल्ली में खड़ लाग रहे हैं। तो जी मैं तो आप लोगों का सब तो ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि अब की बार ये जो चुनाव है, जितने भी रिश्तेदार आपके पूरे हरियाणा में दिल्ली में, उनको एक बात बता दियो, जीत झाड़ू दिख जा, जीत चप्पल दिख जा, ये झाड़ू चप्पल बीजेपी वाला बचलानी है भाई साहब, आप लोगों ने देख लियो। मैं कहूंगा अग दे झाड़ू, आप लोगों ने कहनी है दे चप्पल, रूके मारने बनाए कहते आड़ा चुपचाप बैठे रहो, ये देख लियो आप लोग मार दोगे, दे झाड़ू दे चप्पल, दोनों हाथ ऊपर करके नहीं हुए, दे झाड़ू दे चप्पल, दे झाड़ू दे झाड़ू। और भाई साहब एक लास्ट बात, या अग भाई साहब हम शरीफ आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, ये जो बीजेपी वाले और वो जो गेंडा स्वामी ले और किसा होने 2,000 रुपए दे कह देना केजरीवाल घर जाकर मारा थप्पड़े, भाई साहब आम आदमी है, फद्दू आदमी नहीं है, जिस दिन आम आदमी बिगड़ गया ना
ये हाथ ठाणिया ना हाथ दौड़ जोगा नहीं छोटा यही देख लियो एक बार आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।